हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। सभी लोग एक बार ऑडियो और वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? सभी लोग एक बार ऑडियो और वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? चलो, सभी लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं। जो बाद में आएंगे वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अपन लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा प्लानिंग कर लेते हैं ना। प्लानिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। आज हमारी डेट कौन सी है? दिस इज अवर 19, है ना। 19 अप्रैल पे अभी हम लोग हैं। पेपर हमारा 28 अप्रैल को, ठीक है। सब्जेक्ट अभी तक हमने कौन कौन से का रिवीजन कर लिया? रिवीजन अगर आपने अच्छे से देख लिया है तो मान लीजिए बहुत सफिशियंट है, है ना। अगर आपने रिवीजन भी देख लिया बहुत कुछ कर लिया है। बाकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, है ना। लेकिन तब भी अगर बात करें तो नेटवर्क पढ़ चुके हैं, मेजरमेंट पढ़ लिया हमने, हमने यूडब्ल्यूई कर लिया है, हम लोगों ने ईएमएफटी कर लिया है, और हम लोगों ने सिंक्रोनस मशीन हो गया है, और हमारा ट्रांसफॉर्मर हो गया। इतना कुछ हमारे पास अभी हो चुका है। बचा क्या क्या है थोड़ा सा वो भी नजर ला मान लेते हैं, है ना। थोड़ा नजर मार लेते हैं क्या क्या बचा है हमारे पास। हमारे पास बचा है एक तो पूरा पावर सिस्टम बचा है, ठीक है। एक पावर सिस्टम बचा हुआ है। दूसरा बचा है हमारे पास इंडक्शन। नेक्स्ट बचा है डीसी मशीन, जो कि आज हम अभी निपटा देंगे इसको, ठीक है। और एक बचा है आपके पास क्या? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अभी इनमें से हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी पढ़ लेंगे डीसी मशीन, कल पढ़ लेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सिर्फ आपके पास दो चीजें बचेंगी, वो है आपका एस्टिमेशन, सॉरी पावर सिस्टम इंडक्शन, और जैसे छोटे छोटे ऑप्शन जैसे एस्टिमेशन कॉस्टिंग है ना। एक आपका ऑडिट वाला भी है ना। तो वो चीजें बचेंगी। तो कुल मिला के हम लोग 28, अगर 19 है ना ये, तो हम लोग ये मान चलो 22-23 तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। 4-5 दिन लोग इतने पेल्ड क्वेश्चन सॉल्व करने, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि हमारा कोई क्वेश्चन बचे ही ना, है ना। फुल मतलब 8-8 घंटे कंटिन्यू हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरा दिन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हमारा कुछ प्लानिंग रहा है यार अपने बारे में। इलेक्ट्रॉनिक में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है आपके सिलेबस, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आपके सिलेबस में, है ना। एमपीपीजीसीएल में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, एनालॉग नहीं है, है ना। आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। तो आप लोग बाकी चीजें मत पढ़ा, जो एनालॉग वाला पार्ट है ना आप उसको स्किप कर देना। हाँ, थोड़ा बहुत देखना कि बार क्वेश्चन क्राइटेरिया क्या होता है, फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है, डार्लिंगटन पेयर क्या होता है, जो छोटी छोटी क्वेश्चन ना, अल्फा बीटा गामा में क्या वैल्यू होती है, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, जेनर डायोड क्या होता है, इस टाइप की बेसिक बेसिक चीजें देख लेना। ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग बिना कुछ टाइम को डिले किए बिना स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट डीसी मशीन। आप लोग यहां पे हेडिंग पुट करिए डीसी मशीन। डीसी मशीन की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप समझना, सबसे पहले समझना, हमारा जो डीसी मशीन है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। देखो, डीसी मशीन दो तरीके होते हैं, है ना। डीसी मशीन हमारे दो तरह के होते हैं। एक हमारा होता है मोटर प्लस जनरेटर, एक होता है मोटर, एक होता है जनरेटर। ठीक है ना, एक होता है आपका मोटर, पहले हम देखते हैं जनरेटर, एक होता है मोटर, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे ना एसी मशीन में हम लोग स्लिप रिंग यूज करते थे। क्या करते थे? स्लिप रिंग। देखना आप लोग यहां पे, मैं स्लिप रिंग और कम्यूटेटर में एक छोटा सा डिफरेंस आपको बताता हूं। स्लिप रिंग और कम्यूटेटर, ठीक है। स्लिप रिंग में क्या होता था, सबको ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहां पे स्लिप रिंग की बात करूं तो जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे आर्मेचर करंट है, ये दिस इज योर आई ए,
ये स्लिप रिंग की बात कर रहा हूं मैं, ये आपका आर्मेचर करंट का प्लॉट है, ठीक है। तो आपका ब्रश के पास जो वोल्टेज होगा वो कैसा होगा, समथिंग ऐसा होगा। अगर पूछो ब्रश के पास आपके पास वोल्टेज कैसा होगा, वो भी आपका कैसे होगा, साइनसोइडल। ये आपका हो क्या, वी B1 B2, ठीक है। और आपका लोड करंट कैसा होगा, तो लोड करंट भी आपका ऐसे। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, जब आप स्लिप रिंग कनेक्ट करते हो तब। दिस इज योर IL। ये कब की कहानी है, जब हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, स्लिप रिंग तब। लेकिन अगर हम यहाँ पे कम्यूटेटर यूज कर लें, लेकिन अगर हम जैसे कम्यूटेटर यूज करते हैं DC मशीन में, तो उससे क्या होता है, हमारे पास प्लॉट में, सबको ध्यान समझना, हमारा जो प्लॉट बनता है वो ऐसा बनता है। पहले बात करते हैं हम आर्मेचर करंट की। तो ये बात ध्यान में रखना कि आर्मेचर करंट तो आपका साइनोसोइडल ही होता है, चाहे वो DC हो चाहे AC हो। तो IA इज साइनोसोइडल, ठीक है। आपका ये क्या है, साइनोसोइडल है। लेकिन आप जब कम्यूटेटर यूज कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपका जो V1 V2 हो जाएगा वो आपका ऐसा हो जाता है, जो ब्रश के पास वोल्टेज आएगा वो ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। दिस इज योर V B1 B2, ठीक है। फिर आता है आपके पास यहाँ पे लोड करंट IL। तो IL आपका कैसा होगा, दिस इज योर IL, ठीक है। दिस इज योर IL। तो यहां से हमको क्या समझ में आया, लाइट गई है ना, जिसका मुझे डर था वो हुआ, ठीक है। तो ये हो गया स्लिप रिंग के बारे में, ये हो गया आपका कम्यूटेटर के बारे में। तो ये चीज याद रखना, आप चाहे DC मशीन में हो, आपका आर्मेचर करंट वहां पे क्या होती है, साइनसोइडल होती है। और ये हमारा जो वोल्टेज है ना V1 V2, अगर हम इसको अभी क्या है, इसमें बहुत ज्यादा रिपल्स नहीं है, अगर हम इसको पूरा प्योर DC बनाना चाहें, अगर हम इसको प्योर DC बनाते हैं तो क्या करना होगा, यहाँ पे रिपल्स को बढ़ाना होगा। रिपल्स कैसे बढ़ेंगे, जब यहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्टर यूज करेंगे, जब नंबर ऑफ कंडक्टर ज्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे भी होगा। सर कंट्रोल भी आया है, कंट्रोल आपके सिलेबस में नहीं है, है ना, कंट्रोल आपके सिलेबस में नहीं है, बट हाँ हम लोग अपने तरफ से करेंगे, है ना। आपका एक बात याद रखना, जो आपका सिलेबस आया है ना, वो दो सिलेबस आए, एक ए का सिलेबस आया, एक जेई का सिलेबस आया। तो आप लोग जेई के एग्जाम का फॉर्म भरे हो ना, तो जेई एग्जाम की आप सिलेबस देखोगे, है ना। हालांकि अब पूछ तो कुछ भी सकता है, सिग्नल कंट्रोल कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो सिलेबस ने मेंशन किया पहले हम वो कर लेते हैं, बाद में कंट्रोल सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर इनको मैं एक बार आपको हाईलाइट करा दूंगा, जल्दी जल्दी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले जो उसने सिलेबस मेंशन किया उसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। ओप एम्प ऑसिलेटर है किसमें दिया आपका, वो किसमें है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जो हमको DC चाहिए ना, प्योर DC, अगर हमको इसको DC बनाना है, प्योर DC बनाना, तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमको यहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज करने होते हैं। हम यहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्टर को इंक्रीज करके इसको DC बना सकते हैं, प्योर DC बना सकते हैं। नंबर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, प्योर DC की तरफ जाएगा। अभी क्या है आपका, ये पल्सेटिंग DC है। नंबर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज करो तो क्या बन जाएगा आपका, ये प्योर DC बनता जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे जो ये रिपल्स हैं, है ना, ये जो रिपल्स आ रहे हैं ना, इसको हम कम कर सकते हैं आउटपुट में, किससे, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करके, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख भी लेते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन बन चुका है, मैं लिख दे रहा हूँ। जो रिपल है किसमें, DC आउटपुट में, जो आपके आउटपुट में जो रिपल आ रहे हैं, आउटपुट में जो रिपल आ रहे हैं, आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग आर्मेचर कॉइल्स इन सीरीज।
ठीक है ओके। फिर अगर हम बात करें यहां पे तो क्या बोलेंगे कि जो कम्यूटेटर है, जो हमने कम्यूटेटर लगाया डीसी मशीन में, वो क्या करता है? तो क्या करता है कम्यूटेटर आपका? कम्यूटेटर आर्मेचर पोल या फिर आर्मेचर एमएमएफ को स्टेशनरी बनाता है विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस। क्या बोला मैंने, समझना? मैंने बोला जो कम्यूटेटर है वो क्या करता है, कम्यूटेटर है वो क्या करता है, वो क्या करता है आपका आर्मेचर पोल्स को या फिर आर्मेचर एमएमएफ को, आर्मेचर पोल या फिर आर्मेचर एमएमएफ, आर्मेचर पोल या फिर एमएमएफ को स्टेशनरी बनाता है, स्टेशनरी बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका। कम्यूटेटर क्या करता है, कम्यूटेटर आपका यहां पे क्या करता है आर्मेचर पोल्स को या फिर एमएमएफ को स्टेशनरी बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू स्टे विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो डीसी मशीन होता है ना उसमें लोड एंगल कितना होता है। एक क्वेश्चन ये बनता है डीसी मशीन में लोड एंगल क्या होता है, वो हमेशा आपका 90 डिग्री होता है। लोड एंगल कितना होता है आपका इन डीसी? इक्वल्स टू 90 डिग्री। गर्मी तो खा जाएगी सर, प्लीज जीरो से स्टार्ट करिएगा। जीरो से स्टार्ट कैसे कर पाऊंगा यार, शॉर्ट नोट की बात है, जीरो से कैसे हो पाएगा? जीरो से तो नहीं कर पाएंगे ना, वही तो दिक्कत है। इसको पूरा अच्छे से स्टार्ट पढ़ेंगे अपन कभी बाद में, है ना, लेकिन अभी तो हम लोग जीरो से नहीं कर सकते ना, दिक्कत की बात यही तो है। ठीक है, अभी हमको ऐसे कुछ चीजें देखनी है कि हम उतना पढ़ लें 3 4 5 पेज का, है ना, क्वेश्चन उसी में से आ जाए, और रियलिटी भी कंक्लूजन जो जूस होता है ना वो जूस बनवा कर पी रहे हैं अपन, है ना, गन्ना है अपने पास, वो गन्ने को नहीं पढ़ रहा है, पूरा गन्ने का जूस बना के पी ले रहे हैं, है ना। तो आपको हर चीज का रीजन समझ में नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन यही है। अब आपको ये नहीं पता कि डीसी मशीन में जो लोड एंगल होता है वो 90 डिग्री क्यों होता है, ये नहीं पता, लेकिन ये तो पता ना कि 90 डिग्री होता है। एग्जाम यही आएगा कि 90 डिग्री, 70 80 क्या होता है, तो क्या बोलो 90 डिग्री होता है। इसके पीछे का रीजन अभी आपको नहीं पता, जब मैं पूरा फुल डिटेल कोर्स बताऊंगा तब इसके पीछे का रीजन आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। थोड़ा सा हमारे पास डीसी मशीन में एक चीज होती है, बोलते हैं उसको योक। क्या बोलते हैं उसको? योक। योक क्या करता है डीसी मशीन में एक चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? योक। योक क्या करता है तो याद रखना, योक हमारे पास किस मटेरियल का बना होता है। देखो योक आपका आउटर कवर है, योक क्या आपका एक तरीके से आउटर कवर या प्रोटेक्टिव कवर है। क्या बोल सकते हैं उसको आप? प्रोटेक्टिव कवर, मशीन का एक प्रोटेक्टिव कवर होता है। ऐसा क्वेश्चन बन चुका पहले भी कि आपके मशीन का प्रोटेक्टिव कवर क्या होता है, क्या बोलोगे? आपका योक होता है, प्रोटेक्टिव कवर। ये क्या करता है आपका? एक तरीके से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है आपके मशीन को? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इवन हम ये बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका रिटर्न पाथ भी यही प्रोवाइड करता है ना। रिटर्न पाथ, जो फ्लक्स है उसका रिटर्न पाथ भी कौन प्रोवाइड करता है? आपका योग करता है। और कोई पूछेगा योग में कितना फ्लक्स होता है, क्या बोलोगे? 5/2 फ्लक्स होता है। ठीक है ना, जितना भी फ्लक्स जनरेट हुआ उसका हाफ फ्लक्स आपका योग में होता है। ठीक है, तो ये हो गया योग के बारे में। योग एक प्रोटेक्टिव कवर है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है या रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है, और 5/2 फ्लक्स होता है। अब बात करते हैं किस मटेरियल का बना होता है। तो अगर हम बात करें, कोई हमारे पास स्मॉल रेटिंग का मशीन है, स्मॉल मशीन है, कोई अगर स्मॉल मशीन है हमारे पास, तो उसमें जो योक बना होता है वो बना होता है कास्ट आयरन का। लेकिन अगर हमारे पास कोई लार्ज मशीन है, अगर हमारे पास कोई लार्ज मशीन है तो उसमें आपका बना होता है किसका? ये कास्ट स्टील का। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में? योग के बारे में। ठीक है, योग के बारे में सारी चीजें मैं लिखती। प्रोटेक्टिव कवर है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, रिटर्न पाथ है 5/2 और
ये आप किस मटेरियल का बना होता है वही मैंने बता दिया। फिर आता है हमारे पास एक यहाँ पे फील्ड कोर, एक हमारे पास होता है फील्ड कोर। मैं काम करूंगा इसका जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें मैं इसका डायग्राम भी ले आऊंगा एक, अभी मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, फील्ड कोर के बारे में, है ना। फील्ड कोर क्या होता है, किसका बना होता है वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो फील्ड कोर आपका सॉलिड कास्ट स्टील का बना होता है, सॉलिड कास्ट स्टील। सॉलिड मतलब इसमें लेमिनेशन नहीं किया जाता है ना, ये किसका होता है, सॉलिड कास्ट स्टील का बनाया जाता है ना। फील्ड कोर को सॉलिड कास्ट स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, फील्ड कोर आपका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, पोल शू को। तो क्या करता है आपका, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कोई पूछे क्या करता है तो क्या बोलोगे, ये आपका मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, पोल शू को। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, साथ में आपकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो फील्ड कोर पे ही लगाई जाती है। ये आपका क्या कैरी करता है, फील्ड वाइंडिंग कैरी करता है, ठीक है। और जब इसमें करंट पास करेंगे तो क्या होता है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का काम करता है। क्या बोला कि यहाँ पे, बिहेव्स एज मैग्नेट व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, बिहेव्स एज मैग्नेट, ठीक है। तो ये मैंने आपको फील्ड कोर के बारे में बताया, किस मटेरियल का बना होता है, क्या काम होता है, इसमें कौन सी वाइंडिंग होती है और किसकी तरह काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फील्ड कोर। फिर एक होता है आपका पोल शू। पोल शू क्या होता है समझना है इसको आपको, एक नेक्स्ट चीज आपके पास यहां पे क्या है, पोल शू नाम की चीज होती है, वो क्या होती है, ठीक है। अगर हम पोल शू के बारे में बात करें तो पोल शू के बारे में क्या बोलेंगे हम लोग, कि ये आपका बनाया जाता है किसका, कास्ट स्टील का बनाया था लेकिन वो सॉलिड नहीं होता, ये आपका लेमिनेटेड होता है। जो पोल शू है वो आपका सॉलिड कास्ट स्टील का नहीं बनाया जाता, ये लेमिनेटेड बनाया जाता है, लेमिनेटेड कास्ट स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। क्यों बनाया जाता है, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, है ना। लेमिनेशन का मतलब ही क्या होता है, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बनता है कि आपके डीसी मशीन में जो मेन फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका वेवफॉर्म कैसा होता है ना, मेन फील्ड एमएमएफ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, साइनोसॉइडल या फ्लैट टॉप वेव। तो क्या बोलोगे, फ्लैट टॉप वेव होता है। तो लिखना आप लोग यहां पे, क्या बोला मैंने आपको सामने, मेन फील्ड एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन इन एयर गैप, मेन फील्ड एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन इन एयर गैप क्या होता है, उसका वेवफॉर्म आपका फ्लैट टॉप वेव या फिर ट्रेपोजॉइडल वेव। क्या बोलते हैं इसको, फ्लैट टॉप वेव या फिर ट्रेपोजॉइडल वेव होता है, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास जो पोल आर्क टू पोल पिच रेशियो कितना होता है, पोल आर्क टू पोल पिच जो रेशियो होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 0.7 के आसपास, ठीक है। तो ये आपका पोल शू के रिलेटेड चीजें मैंने बताई, आप इनको याद रखिएगा। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, पहली चीज तो इसको हम लेमिनेशन का बनाते हैं, ठीक है। किसका बनाते हैं, लेमिनेशन कॉस्ट स्टील का बनाए जाते हैं, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। फिर इसका मैंने डिस्ट्रीब्यूशन को बताया कि जो मेन फील्ड एमएम का जो डिस्ट्रीब्यूशन एयर गैप में वो कैसा आपका, फ्लैट टॉप वेव या ट्रेपोजॉइडल वेव। और तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि
कि पोल आर्क टू पोल पिच जो रेशियो था वो 0.7 बता। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कहानी पे। अब हमारे पास होता है कंपनसेटिंग बाइंडिंग, तो हम इसके बारे में देखते हैं कि हमारी कंपनसेटिंग बाइंडिंग क्या होती है। कंपनसेटिंग बाइंडिंग क्या होती है वो हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपनसेटिंग बाइंडिंग सबसे पहला तो क्वेश्चन ही बनता है कि किसके सीरीज में होती है, तो क्या बोलोगे? ये हमेशा आर्मेचर की सीरीज में होती है। क्या बोलोगे आपका? ये इन सीरीज विद आर्मेचर, क्या बोलोगे? ये आपका जो कंपनसेटिंग बाइंडिंग है वो किसके सीरीज में होगी? इन सीरीज विद आर्मेचर। ठीक है, और कंपनसेटिंग वाइंडिंग के थ्रू जो एमएमएफ आएगा वो क्या करता है? आपका आर्मेचर एमएमएफ को अपोज करता है। क्या बोला मैं, समझना? एमएमएफ ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग अपोजेस किसका? अपोजेस द आर्मेचर एमएमएफ। ठीक है, और जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो कहां पे रखी जाती है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग रखी जाती है जो पोल शू है ना, जो पोल शू था उसमें कुछ स्लॉट्स होते हैं, तो उन स्लॉट्स में आपकी कंपनसेटिंग वाइंडिंग रखी जाती है। ठीक है ना, पोल शू में कुछ स्लॉट बनाए जाते हैं, उसी स्लॉट्स में आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग पुट की जाती है, रखी जाती है। तो लिखना है आप लोग, कहां रखी जाती है? प्लेस्ड ओवर द स्लॉट्स मेड इन पोल्स शू। पोल्स शू में जो स्लॉट्स बनाए जाते हैं उनमें ये रखी जाती है। ठीक है, कंपनसेटिंग आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में होती है, ये आपका जो आर्मेचर एमएमएफ को अपोज करती है, और ये फिजिकली कहां प्लेस्ड होती है? जो पोल्स में जो स्लॉट बनाए जाते हैं उनमें रखी जाती है। ठीक है, अच्छा, और ये क्या करती है? एक काम और याद रखना, जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो आपके आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को, ये क्या करती है कंपनसेटिंग वाइंडिंग? आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को, कौन से इफेक्ट को? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती है अंडर पोलर रीजन, मतलब अंडर पोल एरिया, है ना। क्या बोला मैंने? कंपनसेटिंग वाइंडिंग आपके आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती है अंडर पोलर रीजन, पोल अंडर पोल एरिया, जहां पे पोल एरिया होगा ना, जहां पे पोल बनते हैं, फ्रेम होते हैं पोल्स के पास, वहां पे क्या करती है? न्यूट्रलाइज कर देती है। बाकी जो बचा हुआ पार्ट होगा वो भी इंटरपोल वगैरह देखते होंगे, कुछ और करेंगे हम लोग उसके लिए, लेकिन जो पोल का रीजन है वहां पे तो ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग का अपना काम कर देती है। तो लिखना आप लोग यहाँ पे, इट न्यूट्रलाइजेस, ये क्या करती है? जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है ये न्यूट्रलाइज करती है, ये न्यूट्रलाइज करती है आर्मेचर रिएक्शन का, इट न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन कौन से इफेक्ट को? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करती है, न्यूट्रलाइज करती है अंडर विच एरिया? अंडर पोल एरिया। ठीक है, और हम इसको तब प्रीफर करते हैं, जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है इसको हम तब प्रीफर करते हैं जब लोड आपका वेरिएबल हो, है ना, तब हमको कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाने की जरूरत पड़ती है। क्या बोलोगे आप यहाँ पे? इसको हम प्रीफर करते हैं जब लोड आपका वेरिएबल हो, प्रीफर व्हेन लोड इज वेरिएबल, इसको हम प्रीफर करते हैं जब लोड आपका क्या होगा? वेरिएबल होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपनसेटिंग बाइंडिंग के बारे में। ठीक है, क्या क्या बता दिया मैंने आपको अभी तक? योग बता दिया,
फील्ड कोर बता दिया, पोल्स बता दिया, कंपनसेटिंग वाइंडिंग बता दिया। अब हमारे पास होता है एक इंटरपोल। अब हमारे पास एक नया टर्म होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, इंटरपोल। अब लिखिए आप लोग यहां पे इंटरपोल। ये क्या करता है इंटरपोल, ये आपका कहां पे रखा जाता है, ये भी आपका आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है और आपके क्वाड क्या किस में रखा था, क्वाड्रेचर में रखा जाता है ना। देखो पोल जो एरिया है वो आपका डायरेक्ट एक्सिस हो गया, वहां तो आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग कम कर देगा, लेकिन अगर जो क्वाड्रेचर एक्सिस है, जो आपका क्वाड्रेचर एक्सिस है, वहां तो अभी आर्मेचर से कुछ नहीं हुआ उसका, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, आपका इंटरपोल्स लगाते हैं। ये भी आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और वहां पे अपने ये क्या करते हैं, आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं अंडर क्वाड्रेचर एक्सिस, है ना। डायरेक्ट एक्सिस में तो हमने कंपनसेटिंग वाइंड से काम कर लिया, इंटरपोलर रीजन में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, इंटरपोल्स के थ्रू आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो लिखना आप लोग यहाँ पे, ये कहाँ पर रखा जाता है, प्लेस्ड अलोंग क्वाड्रेचर एक्सिस। लिखिएगा कहाँ रखा जाता है आपको, ये प्लेस्ड अलोंग प्लेस्ड अलोंग क्वाड्रेचर एक्सिस, ठीक है। और क्या बोलोगे इसको, इन सीरीज विद द आर्मेचर। ये कहां पर रखा होता है, इन सीरीज विद द आर्मेचर, जो इंटरपोल है कहां पे होता है, इन सीरीज विद द आर्मेचर रखा होता है, ठीक है ओके। और क्या करता है आपका, ये आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करता है, क्या बोला मैंने यहां पे, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन कौन से इफेक्ट को, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को, अंडर इंटरपोल रीजन। मतलब क्वाड्रेचर रीजन, मतलब क्वाड्रेचर रीजन में आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने की जिम्मेदारी इसकी है, और डायरेक्ट एक्सिस में आपको आर्मेचर रिएक्शन की क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने की जिम्मेदारी कंपनसेटिंग वाइंडिंग की है, ठीक है ओके। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे किसकी, आपके आर्मेचर कोर की, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, आर्मेचर कोर की। अभी तक हमने ये बता दिया, अब हम आते हैं आपके किसमें, आर्मेचर कोर पे, है ना। डीसी मशीन में कंस्ट्रक्शन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और बहुत बड़ा पार्ट है यार, है ना, बहुत बड़ा पार्ट। अगर मैं बोलूँ डीसी मशीन का लगभग 50% क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं, कंस्ट्रक्शन से। अभी लैप वेव वाइंडिंग बहुत लंबा पार्ट जाता है, फिर वो वहीं वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहां पे आपके पास, आर्मेचर कोर पे। आर्मेचर कोर पे क्या बोलोगे, आर्मेचर कोर बना जाते हैं किसका, सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का। लेमिनेशन क्यों करते हैं, मुझे लिखने जरूरत नहीं, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन के बनाए जाते, ठीक है। और हम ये क्या चाहते हैं, सिलिकॉन स्टील क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी हाई होगी तो रिलेक्टेंस कम होगा, रिलेक्टेंस कम होगा तो हमारे पास लेस रिलेक्टेंस पाथ मिलेगा, किसके लिए, मेन जो हमारा फ्लक्स है, जो हमारा फ्लक्स है उसके लिए क्या मिलेगा, लो रिलेक्टेंस पाथ मिलेगा। तो लिखिएगा ये क्या होता है, इसमें से लो रिलेक्टेंस, आर्मेचर कोर क्या करता है आपका,
लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है किसको, फ्लक्स को, मेन फील्ड फ्लक्स को। ठीक है, और एक बात याद रखना, आर्मेचर कोर पे जो स्लॉट्स होते हैं वो आपके कैसे स्लॉट्स होते हैं, वो आपके ओपन स्लॉट्स होते हैं। कैसे स्लॉट्स होते हैं आपके पास, यहाँ पे ओपन स्लॉट लिखना आप लोग, यहाँ पे ओपन स्लॉट्स आर प्रिफर्ड, क्लोज स्लॉट नहीं होते, ओपन स्लॉट्स होते हैं ना, ओपन स्लॉट्स आर प्रिफर्ड इन डीसी मशीन टू इंप्रूव कम्यूटेशन। क्यों करते हैं इसको, इंप्रूव करने के लिए कम्यूटेशन, स्पार्किंग ना हो है ना, कम्यूटेशन अच्छे से हो, प्रॉपर कम्यूटेशन हो, गुड कम्यूटेशन हो, उसके लिए हम यहाँ पे ओपन स्लॉट को क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं। ओपन स्लॉट प्रिफर करने से क्या होगा, ओपन स्लॉट प्रिफर करने से क्या होगा कि आपका रिलक्टेंस बढ़ेगा, रिलक्टेंस बढ़ने से आपके पास यहाँ पे फ्लक्स कम होएगा, कम होने से आपका जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होती है, एन फाई अपॉन आई, जो इंडक्टेंस यहाँ पे क्रिएट होगा वो भी कम होगा क्योंकि तो फ्लक्स कम हुआ है, तो एल कम होगा। जब एल कम होगा तो आपका जो यहाँ पे रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज होगा वी आर है ना, जो कम से कम जो वोल्टेज होगा वी आर वो आपका कम हो जाए, इसकी वैल्यू क्या होती है, एल सी इंटू टू आई सी अपॉन टी सी। जब आपके पास यहाँ पे एल कम होगा तो आपके पास यहाँ पे वी आर भी कम होगा, वी आर कम होता है आपके पास यहाँ पे स्पार्किंग कम, मतलब आपका कम्यूटेशन इंप्रूव होगा, इसलिए हम यहाँ पे ओपन स्लॉट को प्रिफर करते हैं। ठीक है, तो याद रखना ओपन स्लॉट्स आर प्रिफर्ड, क्लोज स्लॉट्स आर नॉट प्रिफर्ड। ओके, तो ये हो गया आपका आर्मेचर कोर के बारे में। फिर होता है आपके पास यहाँ पे कम्यूटेटर सेगमेंट के बारे में, ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कम्यूटेटर के बारे में। ये कम्यूटेटर क्या होता है, मेरी पता बहुत गंदी आदत हो गई है एसी में रहने की यार, ये बहुत गंदी आदत हो गई है। चलो मैं अपने आप को थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, सबको यहां तक क्लियर है, बताइए सबको यहां तक चीजें क्लियर है ना, कंफर्म भी करते जाइएगा यार, सबको यहां तक क्लियर है। तो कम्यूटेटर में क्या होता है, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे जो कि आपके पास यहां पे माइका से इंसुलेटेड होंगे, जितने भी कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे वो आपके क्या होंगे, माइका से इंसुलेटेड होंगे। तो लिखना आप लोग यहाँ पे, कम्यूटेटर में क्या होते हैं, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं, इसमें क्या होता है आपके पास नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं और वो आपके क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं बाय माइका, जितने भी कम्यूटेटर सेगमेंट है वो इंसुलेटेड होते हैं बाय माइका। ठीक है, उन माइका की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ना वो 30 से 40 वोल्ट होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट बराबर होते हैं आर्मेचर कॉइल के, लिखना आप लोग यहां पे, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट बराबर होते हैं नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट बराबर होते हैं नंबर ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल,
इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं ब्रशेस के बारे में, ब्रश है ना, थोड़ा बात करते हैं किसके बारे में, ब्रशेस के बारे में। पहला क्वेश्चन बनता है कि ब्रश किसका बनाया जाता है, किस मटेरियल का ब्रश का काम क्या होता है, करंट को कलेक्ट करना है ना, इसका काम क्या है आपका, करंट को कलेक्ट करना। इसका काम क्या होता है आपका, करंट को कलेक्ट करना। क्या कहते हैं आप, लिखो यहां पे कलेक्ट करंट, किससे कलेक्ट करेगा, कम्यूटेटर सेगमेंट से, कम्यूटेटर से। इसका काम क्या है, कलेक्ट करंट फ्रॉम आर्मेचर कंडक्टर वाया कम्यूटेटर, वाया कम्यूटेटर। ठीक है, ओके। ब्रशेस आपका बनाया जाता है, मान लो कोई अगर स्मॉल मशीन है ना, स्मॉल मशीन है तो उसमें बनाया जाता है किसका, कॉपर का। अगर कोई स्मॉल मशीन है उसमें हम बनाया जाता है किसको, कॉपर का। लेकिन अगर कोई लार्ज मशीन है तो हम इसको बनाते हैं किसका, कार्बन का, क्योंकि तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी। कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, सेल्फ लुब्रिकेटिंग, मतलब आपको यहाँ पे लुब्रिकेट करना, कुछ डालना नहीं पड़ता, ऑयल का नहीं डालना पड़ता, ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग। तो क्या बोलोगे आप इसको, ड्यू टू सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपके पास यहां पे आर्मेचर वाइंडिंग, ये हो गया ब्रशेस के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं आपके आर्मेचर वाइंडिंग पे, अच्छा एक चीज याद रखना, एक चीज यहां पे बता दूं मैं आपको, जो कम्यूटेटर है ना, जो आपका यहां पे क्या है, कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर है, वो आपका डीसी जनरेटर में, वो आपका डीसी जनरेटर में किसकी तरह काम करता है, मैकेनिकल रेक्टिफायर। क्योंकि तो आप देखो, जो सबसे पहले डायग्राम बताया था मैंने, यहाँ पे एसी करंट थी, ये डीसी में हो गई, मतलब एसी से डीसी कन्वर्जन किसने किया, कम्यूटेटर ने किया। एसी को डीसी में किसने कन्वर्ट किया, डीसी ने किया। कैसा आपका रेक्टिफायर, ये दिस इज बिहेविंग एज अ मैकेनिकल रोटेटिंग रेक्टिफायर। क्या बोलोगे, मैकेनिकल रोटेटिंग रेक्टिफायर। मैकेनिकल रेक्टिफायर ले तो समझ जाना ना, मैकेनिकल रेक्टिफायर समझ जाना। डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर है वो मैकेनिकल रेक्टिफायर तरह काम करता है, और डीसी मोटर में ये क्या करता है, वो आपका सप्लाई तो आपने दिया डीसी, लेकिन अंदर क्या जाएगा, एसी, तो वो एक इन्वर्टर की तरह काम करेगा, मैकेनिकल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। एक्चुअली में अगर बोला जाए ना, तो डीसी मशीन की डेफिनेशन ही क्या होती है, डीसी मशीन होता ही क्या है, एसी मशीन प्लस कम्यूटेटर। क्या होता है आपका, एसी मशीन प्लस कम्यूटेटर ही आपका होता है डीसी मशीन, ठीक है ना।
ये हो गया। अच्छा एक चीज और याद रखना, आपका जो फील्ड वाइंडिंग है ना वो कैसी होती है और आर्मेचर वाइंडिंग कैसी होती है, तो याद रखना जो फील्ड वाइंडिंग होती है ना, जो आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है वो होती है कंसंट्रेटेड। फील्ड वाइंडिंग आपकी होती है कंसंट्रेटेड, और जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है वो होती है आपकी कैसी, आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड सॉरी जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ऐसा लिखना। जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है वो आपकी यहाँ पे क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ओके। एक कॉन्सेप्ट और होता है, मान लो सिंगल लेयर वाइंडिंग है, अगर मैं मान लो आपके पास यहाँ पे सिंगल लेयर वाइंडिंग है, सिंगल लेयर वाइंडिंग में आपके पास मान लीजिए है ना, आपके पास जो कॉइल की साइड है मतलब जो स्लॉट्स हैं वो एस है, ठीक है ना। आप ऐसा मान लीजिए सिंगल लेयर वाइंडिंग में आपके पास मान लीजिए यहाँ पे जो कॉइल की साइड है मतलब इसको हम स्लॉट बोलेंगे, कॉइल साइड मान लीजिए कितने आपके पास एस है, तो आपके पास यहाँ पे कॉइल कितनी होगी, तो क्या बोलोगे एस बाय टू, क्योंकि दो स्लॉट मिलके एक कॉइल बनाते हैं ना, एक का कंडक्टर जाना एक का करंट का वापस आना, तो दो स्लॉट मिलके एक कंडक्टर बनाते हैं, एक कॉइल बनाते हैं, क्या बोलोगे एक कॉइल में क्या होता है गोइंग कंडक्टर कमिंग कंडक्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा एस बाय टू। ये किस में होता है, सिंगल लेयर वाइंडिंग में। लेकिन अगर आपके पास मल्टी लेयर वाइंडिंग है या फिर डबल लेयर वाइंडिंग है तो क्या होगा देखना, अगर हम बात करें डबल लेयर वाइंडिंग की, तो डबल लेयर वाइंडिंग में क्या होता है आपके पास कि मान लो कॉइल साइड है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास ओपन स्लॉट्स होते हैं ना, जैसे मैंने बताया आपके पास ओपन स्लॉट्स होते हैं, बताता बना दिखाता हूँ। जैसे एक ये ले लिया मैंने, डिफरेंट डिफरेंट मैंने यहाँ पे केस ले लिए, जैसे इसमें मैंने एक कंडक्टर यहाँ पे रखा है, एक मिनट, एक यहाँ पे है, ठीक है यहाँ पे से मैंने चार थे, एक तो एक स्लॉट में इसमें दो कंडक्टर थे, इसमें एक स्लॉट में चार कंडक्टर हैं, इसमें रख दिया मैंने छः, एक दो तीन चार पाँच छः, इसको हम मानते हैं यहाँ पे क्या, इसको नोटिस देते हैं यू, इसमें यू कितने हैं आपके पास टू, इसमें कितने हैं आपके पास कंडक्टर फोर, इसमें कितने आपके पास सिक्स। तो अगर आपको इसमें जैसे डबल लेयर बाइंडिंग हो गई इसमें ये, तो अगर आपको इसमें बताना है क्या कि कितने कॉइल्स होंगे, तो आपका फॉर्मूला याद रखना आप लोग, सी इक्वल्स टू 1/2 यू इंटू एस, ठीक है ये फॉर्मूला याद रखना। यू क्या होता है, एक स्लॉट में कितने कंडक्टर, यहाँ पे दो है तो यू इक्वल्स टू टू रख दोगे, अगर एक स्लॉट में चार कंडक्टर तो यू इक्वल्स टू फोर रख दोगे, और स्लॉट तो आपको दिए जाते हैं कितने स्लॉट, 10 स्लॉट है 20 स्लॉट है, वो दिया ही जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो, क्या जाएगा आपका यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल्स के बारे में आ जाएगा। ये सेम कॉन्सेप्ट आप सिंक्रोनस में भी लगा सकते हो, है ना, जो आप लोग वहां निकालते थे ना वाइंडिंग का, वहां पे भी आप लगा सकते हो। सर रात वाली क्लासेस रहेंगी, रात वाली क्लासेस रहेंगे, लेकिन सबके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो क्लास अटेंड करें, है ना, रात वाली क्लास रहेगी, उसमें आप लोगों के पास फ्रीडम है, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आ भी सकते हो, अगर आपको लगता है सोना है तो सो भी सकते हो, ठीक है दोनों है, मैं यहाँ पे क्लास लगाऊंगा, ठीक है। और क्लास कैसी लगेगी मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैं यहाँ पे आपके सामने बुक ओपन कर दूँ, है ना, मैं पीपीटी वगैरह लेके नहीं आऊंगा, डायरेक्ट बुक सॉल्व कर दूंगा, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, 1 मिनट में 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, है ना। जैसे देखते ना कि योग क्या होता है, ये होता है उसके 100 ऑप्शन, इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है, इसका ये होता है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा उसका डिस्कस कर लेंगे, है ना, वो थोड़ा फास्ट वाला काम रहेगा, बहुत ही आराम आराम से चलने वाला काम नहीं होगा, है ना। और एक चीज और, शायद से क्वेश्चन आपको दिखाई देगा ना यहाँ पे क्वेश्चन मैं बुक के सामने ओपन कर दूंगा, यहाँ पे पीडीएफ ओपन कर दूंगा, आपको बुक कौन सी रहेगी
बुक मैं यहाँ पे नाम नहीं दे सकता हूँ, कमेंट कर सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक, मैं टाइप कर देता हूँ, आपको समझ जाना कौन सी बुक रहेगी भाई। ठीक है, ये वाली बुक सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाली बुक हम पूरी सॉल्व करेंगे, जो भी चैप्टर उठाएंगे जैसे डीसी मसले पूरा सॉल्व करेंगे डीसी मसले। ठीक है, और हो सकता है कि उसकी रिकॉर्डिंग आपको ना मिले। एक दिक्कत मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली क्लास होगी ना जो आज रात में लगाएंगे, उसकी शायद से आपको रिकॉर्डिंग ना मिले। ठीक है, ओके, चलिए आ जाइए। और बहुत मतलब जैसे आप लोग घर में पेज पलटाते हो ना, उसी टाइप का पलटाएंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत प्रोफेशनल तरीके से, बिल्कुल जैसे आप लोग घर में पढ़ाई करते हो वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अब आप बात करते हैं कि जो डीसी मशीन है, उसमें याद रखना बाय डिफॉल्ट कैसी वाइंडिंग होती है, आपका डबल लेयर वाइंडिंग होती है। तो लिखते हैं आप लोग यहाँ पे, आपके डीसी मशीन में बाय डिफॉल्ट कैसी वाइंडिंग होती है। डीसी मशीन में बाय डिफॉल्ट, डीसी मशीन में बाय डिफॉल्ट आपकी होती है कैसी, डबल लेयर वाइंडिंग। हम लोग तो क्लास तो पूरी ले ले यार, बस ये दोपहर की दिक्कत रहती है, गर्मी बहुत हो गई, अचानक से गर्मी बढ़ गई। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग, एक होती है लैप वाइंडिंग, एक होती है वेव वाइंडिंग, है ना। हमारे पास दो टाइप की वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, उनके बारे में थोड़ा देखना आप लोग। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लैप वाइंडिंग, इधर मैं लिखता हूँ वेव वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं पैरामीटर्स। ठीक है, सबसे पहले तो बनता है आपके पास यहाँ पे क्या, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट बनता है आपके पास वो ये बनता है कि हमारे पास यहाँ पे एक होता है क्या, बैक पिच। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वाई बी, जिसको बोलते हैं बैक पिच, वाई बी। एक हमारे पास होता है यहाँ पे क्या, फ्रंट पिच, वाई एफ, है ना। एक हमारे पास होता है यहाँ पे क्या, एक होता है मेरे पास यहाँ पे वाई डब्ल्यू। ठीक है, और होता है आपके पास यहाँ पे, एक होता है आपके पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ये हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। और हमारे पास होता है यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रशेस, मैं सब कुछ लिखते जा रहा पे। ठीक है, ओके। फिर यहां पे होता है आपका, देखो पहले लिखते जाता हूं, मैं एक-एक से बताता जाऊंगा। जैसे आपका लैप वाइंडिंग के लिए वाई बी, मतलब बैक पिच का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 2C/P±K, 2C/P±K, ये होता है लैप वाइंडिंग में वाई बी का फॉर्मूला। वाई एफ क्या होता है, वाई एफ निकालते हैं हम लोग कैसे, जो आपका वाई बी है ना उसमें से 2 माइनस कर दो, दो वैल्यू माइनस कर दो, क्या हो जाएगा पास यहाँ पे वाई बी -2। ये होता है हमारे पास यहाँ पे फ्रंट पिच, बैक पिच और फ्रंट पिच, बैक पिच और फ्रंट पिच में 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, और एक चीज ये भी याद रखना, अगर आपके पास वाई बी मतलब बैक पिच ज्यादा है किससे, वाई एफ से, इसका मतलब कि आपकी वाइंडिंग क्या है, प्रोग्रेसिव है। ठीक है, और अगर आपके पास उल्टा रिलेशन, मतलब वाई बी इज लेस देन वाई एफ, दैट मीन्स आपकी वाइंडिंग यहां पे क्या है, वह है रेट्रोग्रेसिव, अपोजिट साइड, दैट इज रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग।
ठीक है ओके। फिर आता है वाई डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू वैल्यू क्या होती है, वाई बी माइनस वाई एफ। ए होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, याद रखना लैप वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो हमेशा नंबर ऑफ पोल के बराबर होते हैं। तो किस तरह होते हैं, पोल के बराबर होते हैं। वेव वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं हमेशा वो टू होते हैं, दो के बराबर होते हैं। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ ब्रशेज है ना वो हमेशा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के बराबर होते हैं। मतलब अगर नंबर ऑफ ब्रश की बात करें तो लैप वाइंडिंग में कितने ब्रश होंगे आप, कितने पोल होंगे उतने ब्रशेज होंगे, और वेव वाइंडिंग में कितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, कितने दो पैरेलल पाथ हैं, तो ब्रशेज भी कितने लगेंगे आपके पास यहाँ पे, दो लगेंगे। ठीक है, और आगे बात करते हैं। एक होता है आपके पास यहाँ पे डमी कॉइल, डमी कॉइल मतलब कि कुछ कुछ वाइंडिंग ऐसी होती हैं कि वो कंप्लीट नहीं होती, मतलब कि उसमें कुछ स्लॉट खाली होते हैं, वो जनरली कहाँ पे होता है, वेव वाइंडिंग में होता है। तो लैप वाइंडिंग तो कंप्लीट वाइंडिंग है, तो यहाँ पे डमी कॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसमें हो सकती है वेव वाइंडिंग में डमी कॉइल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, फिर एक होता है इक्वलाइजिंग रिंग, क्या बोला मैंने, इक्वलाइजिंग रिंग, किसमें जरूरत होती है किसमें नहीं होती है। तो याद रखना जो आपका लैप वाइंडिंग है इसमें आपका इक्वलाइजिंग रिंग की जरूरत पड़ती है, इक्वलाइजिंग रिंग की इसमें नीडेड होता है, ये इसमें नॉट नीडेड। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा कि ये आपका जो लैप वाइंडिंग है वो किसके लिए यूज होता है, वो आपका यूज होता है लो वोल्टेज हाई करंट, लो वोल्टेज हाई करंट है ना, मीडियम एंड लार्ज पावर रेटिंग डीसी मशीन, मतलब मीडियम एंड लार्ज डीसी मशीन के लिए आप लैप वाइंडिंग यूज करते हैं। रही बात आपका वेव वाइंडिंग की, तो वेव वाइंडिंग आप यूज करते हो किसमें, आपका क्या बोलोगे यहां पे, हाई वोल्टेज लो करंट है ना एंड स्मॉल रेटिंग डीसी मशीन। स्मॉल रेटिंग डीसी मशीन में ये यूज होता है। ठीक है, अब आप इसका फॉर्मूला देख लेना, वेव वाइंडिंग फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है आपका वाई बी इक्वल्स टू वाई डब्ल्यू माइनस वाई एफ। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा वाई एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा वाई बी माइनस वाई डब्ल्यू माइनस वाई बी, वाई बी। यहाँ पे वाई डब्ल्यू कैसे निकालोगे, वाई डब्ल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है टू इंटू सी प्लस एम, सी प्लस माइनस एम डिवाइडेड बाय पी बाय टू। हो सकता है इसमें थोड़ा आपको दिक्कत जाए है ना, इन तीनों के वैल्यू निकालने दिक्कत जाए, क्यों दिक्कत जाए कि हर एक टीचर का ये अलग अलग तरीका होता है ना, ये जो चीज मैंने बताई आपका ये हर एक फैकल्टी का अलग अलग होता है, इसमें हर एक वैल्यू अपने तरीके से बताता है, मेरा तरीका ये है ना, इसका ये नहीं कि बाकी लोगों ने गलत बताया होगा, उनने भी सही बताया होगा, बट बात यहां पे किसकी है, जो इजी लगता है मुझे ये इज्जत, तो मैंने ऐसे किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसके बारे में, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बारे में। ओके, थोड़ा सा यहां पे देखना एक चीज, जैसे मैंने आपको कहीं पे बताई थी जो लैप वाइंडिंग है वो आपकी क्या कहलाती है, कंप्लीट वाइंडिंग कहलाती है। मैंने कहीं पे बताया था ये चीज आपको कि जो लैप वाइंडिंग है वो आपकी कैसी वाइंडिंग है, दैट इज अ कंप्लीट वाइंडिंग। जो लैप वाइंडिंग है वो आपकी क्या है, कंप्लीट वाइंडिंग। ये हमारी कहलाती है कंप्लीट वाइंडिंग, तो इसमें हमको डमी कॉइल की जरूरत नहीं पड़ती, डमी कॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, मतलब इसके हर एक स्लॉट में कोई ना कोई कंडक्टर है, कोई स्लॉट खाली छूटा ही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे हमको डमी कॉइल नहीं रखनी पड़ती। लेकिन वेव वाइंडिंग हमारी क्या है, वो हमारी कहलाती है इनकम्प्लीट वाइंडिंग, मतलब
वेव वाइंडिंग लगाने के बाद हो सकता है कुछ स्लॉट खाली रहे, उसको हम बोलते हैं आपका इनकम्प्लीट वाइंडिंग। उनको मैकेनिकली स्टेबल करने के लिए हमको डमी कॉइल रखनी पड़ती है, डमी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ नहीं होता है ना, उसको सिर्फ मैकेनिकली स्टेबल बनाने के लिए रखा जाता है। तो डमी कॉइल की रिक्वायरमेंट वेव में हमेशा पड़ेगी कि ऐसा नहीं, उसकी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो आपका वाईसी का फॉर्मूला होता है ना, वाईसी, वाईसी क्या होता है आपके पास यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर पिच, कम्यूटेटर पिच वाईसी। अगर वाईसी की वैल्यू यहां पे हम जब सॉल्व करेंगे सी प्लस माइनस वन डिवाइड बाय पी बाय टू, हम जब ये सॉल्व करेंगे, जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे, यहां पे जो प्लस है कब लेते हैं हम साइन, प्लस लेते हैं प्रोग्रेसिव के लिए, माइनस लेते हैं रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए। और जब इसको सॉल्व करके देखेंगे, अगर ये एक इंटीजर आया, अगर ये कोई एक इंटीजर आ गया, इंटीजर आ गया मतलब आपको वहां पे डमी कॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं, अगर इंटीजर आ गया मतलब डमी कॉइल आपको चाहिए क्या, नहीं चाहिए हमको, डमी नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं आया, अगर ये एक इंटीजर नहीं आया तो आपको वहां पे डमी कॉइल फिल करनी पड़ती। तो ये मैंने बताया कि किस बेस में आप बता सकते हो कि डमी कॉइल की जरूरत पड़ती है, किस में डमी कॉइल जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे मैंने एक चीज आपको यहां बताई थी इक्वलाइजिंग रिंग के बारे में, है ना, एक मैंने बताया था आपको यहां पे टेबल में ही, इक्वलाइजिंग रिंग लैप वाइंडिंग में जरूरत पड़ती है और वेव में जरूरत नहीं पड़ती है ना, ऐसा क्या होता है इसमें। तो ये आपका जो इक्वलाइजिंग रिंग है वो लैप वाइंडिंग को ओवरलोडिंग होने से बचाती है, सेव करती है ना, ओवरलोडिंग से जो होने वाला है उसे सेव करती है इक्वलाइजिंग रिंग, किसमें, लैप वाइंडिंग में। इसको हम लोग वेव वाइंडिंग में नहीं लगाते, इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो लिखना आप लोग यहां पे इक्वलाइजिंग रिंग के बारे में, अगर इक्वलाइजिंग रिंग के बारे में बात करते हैं हम लोग तो क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इन लैप वाइंडिंग, प्रेजेंट इन लैप, अब्सेंट इन वेव। अच्छा एक क्वेश्चन ये बनता है कि इक्वलाइजिंग रिंग में एक्चुअली में कितनी रिंग होती है, तो 15 से 20 रिंग होती है, कितनी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 15 से 20 रिंग होती है। छल्ला टाइप का होता है 15 से 20 रिंग का, और ये क्या करती है आपका, इट सेव, इट सेव्स ब्रशेस फ्रॉम ओवरलोडिंग, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपके पास यहां पे इक्वलाइजिंग रिंग के बारे में। अच्छा जब ये ब्रश को ओवरलोडिंग से बचा रही, मतलब ये आपका बचा रही किससे, फ्लक्स के अनबैलेंस होने से, तो क्या बोलोगे, इट रिड्यूसेस फ्लक्स इन अनबैलेंस, इट रिड्यूसेस फ्लक्स अनबैलेंस, ये आपके फ्लक्स को अनबैलेंस होने से बचाता है। अब यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बात कर रहा हूं मैं, सर के क्या है, के कहां पे बात करी मैंने, कहां पे पूछ रहे हो आप यार, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में मेंशन किया जाए क्या रखना है हमको, ठीक है ना। जनरली हम इसकी वैल्यू को जीरो लेके चलेंगे, वाई बी बैक पिच, आप लोग कुछ पहले कभी नहीं पढ़े क्या, आप लोग डीसी मशीन पहले पढ़े हो ना यार, आप लोग कैसी बात कर रहे हो यार, ये के वाई बी कैसी बात पूछ रहे हो आप लोग, है ना, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग, सिंगल लेयर वाइंडिंग, उसके ऊपर के की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। चलो
अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग पे कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेता हूँ, उसको देखना। ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ एक छोटा सा न्यूमेरिकल फॉर्म में लूंगा, जिससे आपके लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग के बीच में जो कॉन्सेप्ट बनता है वो पूरा पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेता हूँ, देखना आप सभी लोग कैसा कॉन्सेप्ट है। आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, मान लिया मैंने क्या है कि आपके पास पोल कितने हैं, फोर। ठीक है, ओके। और आपको ये बोला गया है कि वोल्टेज पर इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या बोला गया आपके पास यहां पे, वोल्टेज पर कंडक्टर कितना आपका, 2 वोल्ट है ना, एक कंडक्टर में कितना वोल्टेज है, 2 वोल्ट, ये बोला गया है। और आपके पास बोला गया है कि उसमें जो करंट है एक कंडक्टर में वो कितनी है आपके पास, 10 एम्पियर ना, करंट पर कंडक्टर कितना आपके पास, 10 एम्पियर। ठीक है, ये बोला गया है। और आपके पास बोला है कितने कंडक्टर से, टोटल आपके पास 100 कंडक्टर। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, लैप बाइंडिंग बनाना है और वेव बाइंडिंग बना के दिखाना है। ठीक है, जब इस पे सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और समझ में आएगा। ठीक है ना, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा और समझ में हमको अभी आएगा। चलो, क्योंकि हमारी मेन टर्म थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैंने आपको डीसी मशीन पहले नहीं पढ़ाया है ना। हालांकि मेरा प्लान ये था कि सिंक्रोनस तो खत्म हो चुका है, अब डीसी ही स्टार्ट करेंगे हमारे अपने ऐप पे। ठीक है, चलो तो देखना है। जैसे मैंने बोला कि आपके पास कितने पोल, अगर बात करता हूँ यहाँ पे मैं लैप वाइंडिंग, अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे लैप वाइंडिंग, मैं यहाँ पे बनाता हूँ लैप वाइंडिंग और नीचे बनाता हूँ मैं वेव वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग बनाऊंगा, लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग। अगर हम बात करते हैं लैप वाइंडिंग की, अगर हम बात करते हैं किसकी, लैप वाइंडिंग की और यहाँ पे वेव वाइंडिंग की, तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ जो पैरेलल पाथ होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, पोल के बराबर। कितने पैरेलल पाथ होंगे पास, यहाँ पे 4 पैरेलल पाथ, कितने होंगे, 4। मतलब एक पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर होंगे, टोटल कंडक्टर कितने, 100 है, 100 कंडक्टर है ना, तो 4 कंडक्टर, 4 पाथ में डिवाइड, 25 25 होंगे, नहीं होंगे, 25 में होंगे, 25 में होंगे, 25 इसमें, 25 इसमें, हाँ या नहीं। तो आपके पास यहाँ पे 4 पैरेलल पाथ हो जाएंगे, देखो 4 पैरेलल पाथ यहाँ पे हो गए, नीचे बनाता हूँ कितने पैरेलल पाथ होंगे यहाँ पे, 4 पैरेलल पाथ होंगे। क्यों 4 पैरेलल पाथ होंगे, क्योंकि जितने आपके पास पोल्स होते हैं, 4 पोल्स थे तो 4 पैरेलल पाथ मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मुझे ये बताओ इसमें कितने कंडक्टर होंगे, बताओ जरा, बता सकते हो क्या कितने कंडक्टर होंगे, कितने कंडक्टर होंगे इसमें, 25 कंडक्टर होंगे, एक में कितना वोल्ट है, 2 वोल्ट है, इसमें जो 2 वोल्ट है, इस तरह कितने मेरे पास कंडक्टर है, यहाँ पे 25 कंडक्टर है, 25 कंडक्टर, 25 इसमें है, 25 इसमें है, 25 इसमें है और 25 इसमें, तब जाके 100 होंगे ना। ठीक है, तो 25 25 हो गए। अच्छा मुझे बताओ एक कंडक्टर में 2 वोल्ट है तो टोटल यहाँ कितना वोल्टेज हो जाएगा, 50 वोल्ट, हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल सही लो, बताओ, बिल्कुल सर, 50 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे 50 वोल्ट हो गया। जैसा मैंने बोला कि एक कंडक्टर में कितनी करंट, 10 एम्पियर है, तो मान लो यहाँ कितनी, एक कंडक्टर में 10 एम्पियर करंट है, तो 25 ओम 10 एम्पियर हो गए, सभी सीरीज में है ना, तो यहाँ पे 10 एम्पियर करंट है, इसमें 10 एम्पियर करंट है, इसमें भी 10 एम्पियर करंट है और इसमें 10 एम्पियर करंट है, तो यहाँ कितनी करंट हो जाएगी, 10 20 30 40, तो यहाँ कितनी करंट हो जाएगी, 40 एम्पियर करंट है ना। तो वोल्टेज कितना है, 50 वोल्ट, करंट कितनी है, 40, तो पावर कितना हो जाएगा, 50 × 40 कितना हो जाएगा, सॉल्व करने पे 2000 वोल्ट। ठीक है, तो ये मैंने बताया लैप वाइंडिंग के बारे में। अगर मैं यही चीज किसके लिए बताऊं, वेव वाइंडिंग के बारे में, तो कैसा हो जाएगा आपके पास, ये वेव वाइंडिंग में भी कितने आपके पैरेलल पाथ होते हैं, 2 पैरेलल पाथ होते हैं,
वेव में जो आपके पैरेलल पाथ होते हैं वो आपके इंडिपेंडेंट है नंबर ऑफ पोल से, पोल चाहे चार हो छह दस हो कुछ भी हो, हमारे पास नंबर जो पैरेलल पाथ हो कितने होंगे, दो होंगे। अब जब दो पैरेलल पाथ होंगे पता तो कि कितने कितने कंडक्टर होंगे बताओ जरा सभी लोग, 50-50 कंडक्टर होंगे हाँ या ना, 50 कंडक्टर इसमें होंगे और 50 कंडक्टर इसमें होंगे ठीक है, क्योंकि 100 कंडक्टर टोटल थे है ना, और यहाँ पे 50 कंडक्टर। तो अगर मुझे बताओ एक कंडक्टर में दो बोल्ट है, एक कंडक्टर में दो बोल्ट है तो 50 कंडक्टर कितना बोल्ट आ जाएगा, यहाँ पे 100 बोल्ट आ जाएगा। डायग्राम सही से बनाता हूँ मैं, बहुत बड़ा डायग्राम बना दिया मैंने, ये तो पैरेलल पाथ बना दिए मैंने ठीक है। यहाँ पे कितने कंडक्टर हैं, 50, 50 कंडक्टर यहाँ पे हैं, 50 कंडक्टर यहाँ पे हैं, वोल्टेज कितना आ जाएगा पाथ यहाँ पे 100 वोल्ट ठीक है। ओके करंट की बात करो तो करंट कितना हो जाएगा बताओ सभी लोग, यहाँ पे एक कंडक्टर में कितनी करंट, 10 एम्पियर, तो यहाँ कितनी करंट होगी 10 एम्पियर, यहाँ कितनी होगी 10 एम्पियर, अकॉर्डिंग टू केसीएल यहाँ कितनी हो जाएगी 20 एम्पियर। तो हम यहाँ पे अगर पावर निकालने का, पावर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, वोल्टेज इंटू करंट टोटल वोल्ट कितना 100 इंटू 20 कितना आ जाएगा पर 2000। तो पावर तो हमारे पास सेम है, लेकिन अब देखो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग में, लैप वाइंडिंग में करंट जाता है देखो ना लिखा मैंने कहीं पे, लैप वाइंडिंग में हम लोग हाई करंट लेते हैं, लैप वाइंडिंग में वोल्टेज सिर्फ 50 वोल्ट है तो वोल्टेज कम है, इसमें देखो वेव वाइंडिंग में वोल्टेज ज्यादा है तो वोल्टेज हमें ज्यादा रखा, वेव वाइंडिंग में करंट कम 20 है तो करंट हमने कम रखा ठीक है। हालांकि दोनों की सेम रेटिंग के लिए, दोनों का चाहे लैप रखो चाहे वेव रखो पावर तो सेम आएगा, लेकिन हम लोग लैप वाइंडिंग को बनाते हैं हाई पावर के लिए, इसको बनाते हैं लो पावर के लिए वोल्ट एम्पे लिख लो, वोल्ट एम्पे लिख लो कुछ भी लिख लो, पावर फैक्टर तो यूनिटी ही है ना, पावर फैक्टर तो यूनिटी है ना, डीसी मशीन है ठीक है। चलो तो अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं यार है ना, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसके आगे मैं तो नहीं जा पाऊँ है ना, इसके आगे अभी मुझे नहीं जाना पड़ेगा, लाइट आ जाए थोड़ा रिलैक्स कर लूँ मैं, फिर उसके बाद बात बात करूँ ठीक है। गुड डे।